अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू द लाइव लेक्चर सीरीज ऑफ द बीसीए। बेटा बेटा हम डिस्कस कर रहे थे बेटा फंजी ऑलरेडी। पिछले दो तीन से मेरे लेक्चर नहीं आए बेटा, एक्चुअली मैं बीमार था। तो हम बेटा पढ़ रहे थे दैट वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ द फंजी। और क्लासिफिकेशन ऑफ द फंजी में बेटा हमने दो क्लासेस में डिस्कस किए थे। एक क्लास बेटा था फाइकोमाइसिट्स और दूसरा क्लास था बेटा एस्कोमाइसिट्स। एस्कोमाइसिट्स को बेटा हमने डिस्कस किया कि इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या इनमें कौन कौन से कैरेक्टर्स बेटा पाए जाते हैं। लेकिन एस्कोमाइसिट्स की एग्जांपल्स बेटा हमने डिस्कस नहीं की थी। तो आज हम बेटा डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ द एस्कोमाइसिट्स। एस्कोमाइसिट्स की बेटा एग्जांपल्स हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन से फंजे बेटा हमने रखे हैं। तो इनमें सबसे पहली एग्जाम्पल जो बेटा जो एस्कोमाइसिट्स से बिलोंग कर रहे हैं उनमें जो पहला आता है बेटा दैट इज कॉल्ड एज एस्परजिलस। उसको बेटा हम एस्परजिलस का नाम देते हैं। तो एस्परजिलस बेटा एक मेंबर है, इट इज अ मेंबर ऑफ द एस्कोमाइसिट्स। एस्परजिलस जो बेटा है इससे एक टॉक्सिन बेटा हम प्रोड्यूस करते हैं। उस टॉक्सिन को हम बेटा नाम देते हैं एफ्लोटॉक्सिन। तो एफ्लोटॉक्सिन बेटा प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द एस्परजिलस। और जो ये एफ्लोटॉक्सिन होता है बेटा इट इज पॉइजनस। ये बेटा हम कंसिडर कर रहे हैं ये पॉइजनस है और उसके साथ साथ बेटा ये कार्सिनोजेनिक है। इट इज ऑल्सो कार्सिनोजेनिक बेटा, ये कैंसर भी प्रोड्यूस या कॉज कर सकता है। दूसरी एग्जांपल बेटा अगर हम एस्कोमाइसिट्स में देखेंगे तो दूसरी एग्जांपल बेटा एस्कोमाइसिट्स में आती है दैट इज कॉल्ड एज, उसको बेटा हम नाम देते हैं पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम इसकी बेटा बहुत सारी स्पीशीज है लेकिन यहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं दैट इज पेनिसिलियम नोटेटम। और पेनिसिलियम नोटेटम से बेटा हम एक एंटीबायोटिक डिराइव करते हैं, उस एंटीबायोटिक को बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज पेनिसिलिन। उसको बेटा हम पेनिसिलिन का नाम देते हैं। उसके बाद इसमें और एक एग्जांपल आती है जिसको हम नाम देते हैं बेटा क्लेवसेप्स। इनको हम क्लेवसेप्स का नाम देते हैं। ये भी बेटा इंक्लूड होता है इन एस्कोमाइसिट्स। और क्लेवसेप्स जो बेटा है ये एक डिजीज काज कर रहा है, उस डिजीज को हम बेटा नाम देते हैं एर्गट ऑफ राई। उसको हम बेटा एर्गट ऑफ राई का नाम देते हैं। एस्कोमाइसिट्स में और भी एग्जांपल्स हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बेटा है जो नीट में पूछी भी गई है दैट इज एक फंजी इसमें आता है जिसको हम बेटा नाम देते हैं न्यूरोस्पोरा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा न्यूरोस्पोरा। और जो न्यूरोस्पोरा है बेटा, न्यूरोस्पोरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंजी है। इट इज यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंट्स इन, इसमें बेटा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं इन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट्स बेटा इस पे होते हैं। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंजी दैट इज बिलोंग्स टू द एस्कोमाइसिट्स। और ये बेटा नीट में पूछा गया था। इसके बाद और एक एग्जांपल है इसमें बेटा कुछ मोरल्स इसमें आते हैं और मोरल्स के साथ बेटा ट्रफल्स आते हैं। मोरल्स एंड ट्रफल्स बेटा बहुत सारे फंजे हैं, ग्रुप है थोड़ा। मोरल्स एंड ट्रफल्स जो बेटा है इनको यूज किया जाता है एज ए डेलिकेसीज। इनको बेटा फूड में यूज किया जाता है एज डेलिकेसीज। और ये भी बेटा नीट में पूछा गया था कि मोरल्स एंड ट्रफल्स जो है बेटा इनको हम किस लिए यूज कर रहे हैं। इनको हम यूज कर रहे हैं एज ए फूड और बहुत इंपॉर्टेंट डेलिकेसीज बेटा हम इससे बनाते हैं। अब और एक फंजी बेटा इसमें आता है दैट इज कॉल्ड एज ए यीस्ट। उसको बेटा हम यीस्ट का नाम देते हैं और इसको बेटा मैंने डिस्कस किया है। और यीस्ट जो बेटा है इट इज यूज्ड इन बेकरी, ये बेटा बेकरी में यूज होता है। इट इज आल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस अल्कोहल और ज्यादातर बेटा इसको यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस एथेनॉल। तो ये बेटा कुछ एग्जांपल्स है एस्कोमाइसिट्स की। मैं फिर से बोलूंगा बेटा एस्कोमाइसिट्स में पहली एग्जांपल है एस्परजिलस। ये बेटा एक टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है जिसको हम नाम देते हैं एफ्लोटॉक्सिन और ये बहुत ही पॉइजनस और कार्सिनोजेनिक होता है। उसके बाद है पेनिसिलियम नोटेटम बेटा, ये एंटीबायोटिक सेक्रेट कर रहा है जिसको हम नाम देते हैं पेनिसिलिन। उसके बाद क्लेवसेप्स है, इसको ये एक डिजीज कॉज कर रहा है
दैट इज कॉल्ड एज एरगेट ऑफ राय। उसके बाद है बेटा न्यूरोस्पोरा, इसको हम एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स या एक्सपेरिमेंटल बायोकेमिकल्स में बेटा इसको हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, ये भी बेटा नीट में पूछा गया था। और है इसमें कुछ मोरल्स और ट्रफल्स बेटा, दीज आर यूज्ड एज फूड एंड इज यूज्ड टू प्रिपेयर सम इंपॉर्टेंट डेलिकेसीज। और इसके साथ बेटा यीस्ट है, यीस्ट इज यूज्ड इन बेकरी, अल्कोहल और इथेनॉल प्रोडक्शन में बेटा यूज हो रहा है। तो अब हम बेटा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास को, और उसको बेटा हम नाम देते हैं बैसिडोमाइसिड्स। लेकिन अभी तक हमने दो क्लासेस को बेटा डिस्कस किया, और दोनों क्लास में हमने बेटा इनके कैरेक्टर्स भी पढ़े और इनमें जो रिप्रोडक्शन है बेटा उसको भी हमने डिस्कस किया। लेकिन अब हम नेक्स्ट क्लास बेटा स्टडी करेंगे, और उस क्लास को बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज बैसिडोमाइसिट। तो बैसिडोमाइसिट्स को बेटा हम देखेंगे कि बैसिडोमाइसिट्स में क्या क्या है। So next group is Basidiomycetes. Basidiomycetes हमारे पास next group है बेटा, ये भी belong कर रहा है fungi से। अब जो Basidiomycetes है बेटा, इनको दूसरा नाम बेटा देते हैं, these are also called as club fungi। इनको हम club fungi का नाम भी देते हैं, ये आगे देखेंगे हम बेटा कि इनको club fungi का नाम क्यों देते हैं, लेकिन फिलहाल हम कहेंगे दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्लब फंजी। तो इनके कैरेक्टर्स बेटा हम स्टडी करेंगे बैसिडोमाइसिट्स में। तो पहले हम बेटा इनका हैबिटेट देखेंगे। अगर इनका हैबिटेट बेटा हम देखेंगे तो जनरली बेटा हम कह रहे हैं दीज आर फाउंड इन द सॉइल, ये सॉइल में पाए जाते हैं। दीज आर ऑल्सो फाउंड ऑन द वुड लॉग्स, ये बेटा वुड लॉग्स में भी पाए जाते हैं। और इस ग्रुप के जो मेंबर्स है बेटा, बात को ध्यान से सुनना, इस ग्रुप के जो मेंबर्स है बेटा वो एक लिविंग प्लांट को भी बेटा इन्फेक्ट कर सकते हैं, या तो हम कहेंगे एक स्टैंडिंग प्लांट को बेटा क्या कर रहे हैं बेटा, उसको इन्फेक्ट कर रहे हैं। और उसको इन्फेक्ट करने के बाद बेटा, समझना मेरी बात, एक स्टैंडिंग प्लांट को इन्फेक्ट करने के बाद बेटा ये क्या कर रहा है, ये इसके वुड को बेटा डिग्रेड कर रहा है। स्टैंडिंग प्लांट अगर हमारे पास होगा उसमें जो वुड है बेटा उसको डिग्रेड कर रहा है। अब क्वेश्चन यहां पे बेटा, वुड हम किसको कहते हैं बेटा, एनाटॉमी अभी हमने नहीं पढ़ी है, मैं फिर से बोल रहा हूं एनाटॉमी अभी हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन थोड़ा मैं यहां पे बताऊंगा बेटा, वुड हम एक्चुअली कहते हैं बेटा इट इज सेकेंडरी जाइलम, ये सेकेंडरी जाइलम होता है। और सेकेंडरी जाइलम में बेटा लेगनिन होता है, और ये जो फंजी होते हैं जो बिलोंग कर रहे हैं कुछ फंजी बैसिडोमाइसिट्स में बेटा, वो इस लेगनिन को बेटा डिग्रेड कर रहे हैं, इस लेगनिन को बेटा डिग्रेड कर रहे हैं। दैट इज व्हाई आई से, मैंने यहां पे कहा कि अगर एक स्टैंडिंग क्रॉप होगा हमारे पास, एक स्टैंडिंग प्लांट होगा बेटा हमारे पास, ये उन प्लांट्स को बेटा, उनके वुड को बेटा डिग्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा बेटा अगर हम बैसिडोमाइसिट्स में देखेंगे, इसमें बेटा कुछ फंजी एज ए पैरासाइट्स भी होते हैं, और कुछ डिजीजेस काज करते हैं, रस्ट भी काज करते हैं, और सुमट्स भी बेटा काज करते हैं। इनको मैं आगे डिस्कस करूंगा यहां पे। सो यहां तक बेटा हम देख रहे हैं दैट इज हैबिटेट ऑफ द बैसिडोमाइसिट्स। इसके बाद हम बेटा जाएंगे दूसरे कैरेक्टर्स पे। इसके बाद हम बेटा देखेंगे कि जो बैसिडोमाइसिट्स है इनका माइसिलियम बेटा कैसा है, व्हाट इज द माइसिलियम ऑफ द बैसिडोमाइसिट्स। तो अगर माइसिलियम की बेटा हम बात करेंगे, माइसिलियम की बात करेंगे यहां पे, तो इनमें माइसिलियम बेटा सेप्टेट पाया जाता है, सेप्टेट माइसिलियम बेटा इनमें पाया जाता है। सेप्टेट के साथ साथ बेटा माइसिलियम इनमें अनब्रांचड होता है, ज्यादा ब्रांचड बेटा नहीं होता है, जनरली हम कहेंगे सेप्टेट माइसिलियम लेकिन अनब्रांचड होता है। इसके बाद बेटा हम देखेंगे माइसिलियम भी हमने डिस्कस किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बैसिडोमाइसिट्स में है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैसिडोमाइसिट्स में बेटा एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स बेटा बैसिडोमाइसिट्स में नहीं बनते हैं। तो हम कहेंगे दैट इन बैसिडोमाइसिट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बेटा है वो एब्सेंट है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाई जाती है, बिकॉज एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फॉर्मड। लेकिन एनसीईआरटी पे बेटा क्लियरली लिखा गया है कि इनमें बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेटा इनमें होती है दैट ऑकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन, वो बेटा यहां पे फ्रेगमेंटेशन से होती है।
क्लियर बेटा? तो हम कह रहे हैं माइसिलियम कैसा है, सेप्टेड माइसिलियम है। उसके बाद हम कह रहे हैं बेटा इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है क्योंकि इनमें बेटा एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते हैं। उसके बाद हम बेटा कह रहे हैं कि इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है बेटा दैट ऑकर्स बाय द फ्रेगमेंटेशन, वो बेटा फ्रेगमेंटेशन से हो रही है। अब इसके बाद हम बेटा देखेंगे इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होती है। अब यहां से बेटा इंपॉर्टेंट है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे हम इन केस ऑफ बैसिडोमाइसीट्स, तो समझना मेरी बात, इनमें बेटा सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेक्स ऑर्गन्स अगर हम बैसिडोमाइसीट्स में देखेंगे तो इनमें सेक्स ऑर्गन्स बेटा एब्सेंट होते हैं। तो अब सवाल यह है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा कैसे होगी। अगर आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि फंजी में मेथड्स है कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, एक तो मैंने कहा था गिमिटेंजल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा हमने डिस्कस किया था गिमिटेंजल कॉपुलेशन, और थर्ड हमने बेटा किया था डिस्कस दैट इज कॉल्ड एज सोमेटोगैमी। सो इन केस ऑफ एसिडोमाइसिट्स, अगर बैसिडोमाइसिट्स में हम बेटा देखेंगे तो इनमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं, तो इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है दैट ऑकर्स बाय सोमेटोगैमी, वो बेटा सोमेटोगैमी से होती है। और अगर आपको याद होगा मैंने सोमेटोगैमी में कहा था बेटा इसमें दो वेजिटेटिव सेल्स या हाइफे जो होते हैं बेटा वो आपस में बेटा फ्यूज होते हैं, यहां पे आपको स्पेशल ऑर्गन्स नहीं बनेंगे एंथ्रिडियम या ओगोनियम, यहां पे जो रिप्रोडक्शन होगी बेटा वो दो डिफरेंट हाइफे, यू इन अदर वर्ड्स आई कैन से बिटवीन सोमेटोगैमी ऑकर्स बिटवीन द टू वेजिटेटिव सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ डिफरेंट strains of hyphae, of different strains of hyphae, यानी कि यहां पे दो different strains होगी जिनके बीच में बेटा सोमेटोगैमी होगी। स्ट्रेन का मतलब होगा जिनका जीनोटाइप बेटा थोड़ा different होगा। लेकिन अगर सोमेटोगैमी हो रही है, sexual reproduction हो रही है थ्रू सोमेटोगैमी, लेकिन इसमें भी बेटा तीन processes होंगी, इसमें भी बेटा पहले प्लाज्मोगैमी होगी, इसमें भी बेटा फिर उसके बाद कैरियोगैमी होगी, उसके बाद बेटा इसमें फिर से मियासिस बेटा होगी, उसके बाद फिर से मियासिस होगी। सो जनरल प्रिंसिपल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है वो वही रहेगा, लेकिन यहां पे हम मेथड कह रहे हैं दैट इट ऑकर्स में सोमेटोगैमी, यहां पे सेक्स ऑर्गन्स नहीं बन रहे हैं, दो डिफरेंट स्ट्रेन्स हाइफे के दो डिफरेंट स्ट्रेन्स बेटा आपस में मिलकर उनके वेजिटेटिव सेल्स बेटा फ्यूज होती है एंड कैरी आउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा तीन स्टेप्स में होगी, इसमें प्लाज्मोगैमी होगी, इसमें कैरियोगैमी होगी और बेटा इसमें मियासिस होगी। तो देखेंगे बेटा कि इनमें सोमेटोगैमी बेटा कैसे हो रही है। अब हम मान लीजिए बेटा कि हमारे पास टू डिफरेंट हाइफे मैं बना रहा हूं यहां पे। अब मान लीजिए हमारे पास से एक हाइफे है और ये हाइफे बेटा सेप्टेट होगा, पहले डिस्कस किया हमने ये सेप्टेट होगा बेटा, और ये जो सेप्टेट हाइफे होगा इनमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस होंगे, इसके साथ साइटोप्लाज्म होगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म। और यहां पे हमारी तरफ, यहां पे दूसरी तरफ बेटा और एक हाइफे है, और इस हाइफे में भी बेटा क्या है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म। अब हम इसको नाम दे रहे हैं बेटा, दो मिनट के लिए मान लिए पास टू है, और दो मिनट के लिए हम ये मान लेंगे बेटा ये नेगेटिव है डिफरेंशिएट करने के लिए। अब यहां पे बेटा क्या होगा, ये वेजिटेटिव सेल या ये जो दो हाइफे हैं बेटा ये आपस में क्लोज आएंगे और इनके बीच में बेटा यहां पे फ्यूजन होगा। लेकिन अगर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा कैरी करनी है तो उसका मतलब है पहला सेटअप जो यहां पे होगा दैट विल बी प्लाज्मोगैमी, तो हम कहेंगे बेटा यहां पे प्लाज्मोगैमी होगी। तो प्लाज्मोगैमी में क्या होगा, ये वाली सेल आप मान लीजिए और ये वाली सेल आप मान लीजिए, ये आपस में बेटा फ्यूज हो जाएंगे। तो इसको बेटा हम यहां पे बनाएंगे कि ये सेल बेटा फ्यूज हो रही है और इसमें दो न्यूक्लियस आ रहे हैं, अब एक है बेटा पॉजिटिव, दूसरे को हमने नाम दिया नेगेटिव, और साइटोप्लाज्म भी बेटा यहां पे अब फ्यूज हो गया है। तो फर्स्ट स्टेप हम कहेंगे यहां पे बेटा देयर ऑकर्स होता क्या है, यहां पे देयर ऑकर्स प्लाज्मो। लेकिन याद रखिए बेटा यहां पे अगर आप यहां पे देखोगे बेटा ये जो बाकी हाइफे यहां पे है बेटा ये अभी हैप्लॉइड है
और ये भी बेटा अभी हैप्लॉइड है, ठीक है। लेकिन हम डिस्कस करेंगे बेटा इस सेल को जहां पे प्लाज्मोगैमी हुई। अब अगर आपको फिर से याद होगा बेटा, मैंने कहा था, मैं रिपीट कर रहा हूं अपने वर्ड्स को बेटा, मैंने कहा था इन केस ऑफ एस्कोमाइसिट्स एंड बैसिडोमाइसिट्स, अगर एस्कोमाइसिट्स और बैसिडोमाइसिट्स की बात करेंगे तो इनमें बेटा कैरियोगैमी इमीडिएटली नहीं हो रही है। प्लाज्मोगैमी के बाद यहां पे इमीडिएटली कैरियोगैमी नहीं होगी, यहां पे एक फेज आएगा, उस फेज को बेटा हम नाम देंगे डाइकैरियोफेज। क्या नाम देंगे बेटा उस फेज को? बेटा हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज डाइकैरियोफेज, इट इज कॉल्ड एज डाइकैरियोफेज। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे समझाने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मान लीजिए बेटा हमारे पास ये वाली सेल जो है, इस सेल में हमारे पास दो डिफरेंट न्यूक्लियस बेटा आ गए, एक इस हाइफे का है और दूसरा इस हाइफे का है। यहां पे प्लाज्मोगैमी हुई, अब इमीडिएटली बेटा यहां पे कैरियोगैमी नहीं हो सकती है, यहां पे एक फेज आएगा, उस फेज को हम बेटा नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज डाइकैरियोफेज। लेकिन अब समझना मेरी बात, ये वाला जो, ये वाली जो सेल है बेटा, इसको हम कहेंगे दैट इट इज ए डाइकैरियोटिक सेल, इसमें दो डिफरेंट न्यूक्लियस हैं। लेकिन ये भी मानो कैरियोटिक है, पास टू है, ये भी अभी मानो कैरियोटिक है, पास टू है, ये भी अभी मानो कैरियोटिक है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और ये भी बेटा मानो कैरियोटिक है। समझना मेरी बात, यहां पे बेटा एक स्टेज होता है, एक सेटअप होता है, जिसको हम नाम देते हैं डाइकैरियोटाइजेशन। क्या नाम देते हैं बेटा? डाइकैरियोटाइजेशन। तो यहां पे एक स्टेप होता है, उस स्टेप को हम बेटा नाम देते हैं डाइकैरियोटाइजेशन। लेकिन डाइकैरियोटाइजेशन को बेटा हमें यहां पे समझना है व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन द डाइकैरियोटाइजेशन। अब होता क्या है बेटा, अगर मैं आपसे ऐसे कहूंगा बेटा कि मैं चाहता हूं ये भी बेटा क्या बने, डाइकैरियोटिक बने, अगर इसके पास पॉजिटिव न्यूक्लियस है इसके पास नेगेटिव न्यूक्लियस आना चाहिए, मैं आपसे कह रहा हूं ये भी बेटा डाइकैरियोटिक बननी चाहिए, ये भी डाइकैरियोटिक बननी चाहिए, मैं आपसे कह रहा हूं बेटा यथाकेस बने डाइकैरियोटिक, हे यथाकेस बने डाइकैरियोटिक, हे यथाकेस बने डाइकैरियोटिक। तो ये डाइकैरियोटिक कैसे बनेगी? अगर मैं इन सारे सेल्स को यहां पे डाइकैरियोटिक बेटा बनाऊंगा तो उसी को मैं नाम देता हूं दैट इज कॉल्ड एज डाइकैरियोटाइजेशन। बात को समझना बेटा। अब सवाल यह है बेटा कि इसको हम डाइकैरियोटिक कैसे बनाएंगे? अब कॉन्सेप्ट को बेटा अच्छे तरीके से देखना, व्हाट हैपेंस हियर, व्हाट हैपेंस हियर, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा बेटा। अब मान लीजिए बेटा यहां पे कनेक्शन बन रहा है, इस और इस सेल के दरमियान में बेटा यहां पे कनेक्शन बन रहा है इन केस ऑफ बैसिडोमाइसिट्स। मैं सिंपल तरीके से दिखा रहा हूं बेटा, अदरवाइज ऐसे कनेक्शन नहीं बनता है। ये जो कनेक्शन बेटा इनके दरमियान में बनता है इसको हम नाम देते हैं क्लैंप कनेक्शन। क्या नाम देते हैं बेटा? इट इज कॉल्ड एज क्लैंप कनेक्शन। तो ये बेटा रहा क्लैंप कनेक्शन। उसके बाद बेटा क्या होता है, समझना मेरी बात, यहां पे पॉजिटिव न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें ये जो नेगेटिव न्यूक्लियस है बेटा इसमें डिवीजन होगा और एक दूसरा नेगेटिव न्यूक्लियस बन रहा है। अब ये नेगेटिव न्यूक्लियस बेटा इस क्लैंप कनेक्शन के जरिए बेटा अब ये इस सेल में बेटा आ जाएगा और ये सेल भी बेटा अब हमारे पास बन गई है, दैट इज कॉल्ड एज डाइकैरियन, That's called as dikaryon. उसको बेटा हम नाम, इसको भी बेटा हम नाम देंगे dikaryon. अब बेटा समझना मेरी बात, अब ये भी dikaryon है, अब इसी तरह बेटा ये भी चाहती है मैं dikaryon बनूं। अब यहां से बेटा और एक कनेक्शन निकलेगा ऐसे, और जब यहां से बेटा कनेक्शन निकलेगा तो ये नेगेटिव न्यूक्लियस बेटा फिर से डिवाइड होगा और दूसरा नेगेटिव न्यूक्लियस बनाएगा और वो न्यूक्लियस, नेगेटिव न्यूक्लियस बेटा फिर यहां आ जाएगा और ये भी बेटा बन गया डाइकैरियन। इस प्रोसेस को बेटा हम नाम देते हैं डाइकैरियोटाइजेशन। इसी तरह बेटा आप देख सकते हो यहां पे भी क्लैंप कनेक्शन बनेगा और इस क्लैंप कनेक्शन में फिर से आप देखोगे यहां पर अगर पॉजिटिव न्यूक्लियस है इसमें डिवीजन होगा, अब यह पॉजिटिव न्यूक्लियस बेटा यहां आएगा और यहां पे आने के बाद ये सेल भी बेटा क्या बनी, डाइकैरियोट। इसी तरह ये भी बेटा डाइकैरियोटिक बनेगी। तो आप देखोगे बेटा कि धीरे धीरे इसमें जो सारा माइसिलियम है, जितना भी माइसिलियम होगा बेटा वो सारा का सारा माइसिलियम बेटा डाइकैरियोटिक बनेगा। तो पहले हम देख रहे हैं बेटा कि इसमें माइसिलियम मोनोकैरियोटिक था, लेकिन डाइकैरियोटाइजेशन के बाद इसमें सारा माइसिलियम जो है, सारे हाइफे जो यहां पे है बेटा, ये क्या बन गए, ये बन गए बेटा डाइकैरियोटिक, ये बन गए बेटा डाइकैरियोटिक। तो इसको बेटा मैं ऐसे दिखाऊंगा, अब अगर मैं इसको सिंपल तरीके से अब ऐसे दिखाऊंगा कि हमारे पास ये हाइफे हैं और इसमें बेटा प्लाज्मोगैमी होने के बाद बेटा
हम कह रहे हैं इसमें डाइकैरियोटाइजेशन हो गई और अब हमारे पास यहां पे प्लस नेगेटिव न्यूक्लियस हर एक सेल में बेटा पाए जाते हैं, तो यहां पे हम कहेंगे बेटा प्लास्मोगैमी हो गई। अब इसके बाद डाइकैरियोटाइजेशन होने के बाद बेटा क्या होता है, इसके बाद समझना मेरी बात, इसके बाद कैरियोगैमी होनी है, लेकिन कैरियोगैमी बेटा यहां पे नहीं होती है। व्हाट हैपेंस हियर, होता क्या है बेटा यहां पे, अब मान लीजिए हमारे पास ये डाइकैरियोटिक सेल है बेटा, इस डाइकैरियोटिक सेल पे बेटा एक आउटग्रोथ ऐसे निकलती है, ऐसे बेटा एक आउटग्रोथ निकलती है। ये जो आउटग्रोथ बेटा इसमें निकलती है, इस आउटग्रोथ को बेटा हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज बैसिडियम, इसको बेटा हम बैसिडियम का नाम देते हैं। समझना मेरी बात, इसी तरह बेटा आप देखोगे इसमें भी एक आउटग्रोथ बेटा यहां से ऐसे बनेगी, इसी तरह आप देखोगे इसमें भी यहां से एक आउटग्रोथ ऐसे बनेगी बेटा। मैं थोड़ा डायग्राम को क्लियर बनाऊंगा बेटा, थोड़ी अच्छी डायग्राम बनाऊंगा मैं। यहां पे देखे बेटा, अब हमारे पास डाइकैरियोटाइजेशन हो गई है, थोड़ा मैं नीचे बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, और यहां पे बेटा हम कह रहे हैं व्हाट हैपेंस हियर, यहां पे भी पास टू नेगेटिव न्यूक्लियस, पास टू नेगेटिव न्यूक्लियस, पास टू नेगेटिव न्यूक्लियस है। अब मैं बेटा आपसे कह रहा हूं कि यहां पे एक आउटग्रोथ बनेगी, यहां पे एक आउटग्रोथ बन सकती है, यहां पे एक आउटग्रोथ बन सकती है बेटा, और इन आउटग्रोथ को हम नाम देते हैं, इन्हीं को हम बेटा नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज बैसिडियम, इनको बेटा हम बैसिडियम का नाम देते हैं। अब जो ये आउटग्रोथ बेटा बन गई, इस आउटग्रोथ में बेटा ये जो पेयर ऑफ न्यूक्लियस है ये बेटा इस आउटग्रोथ में चली जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव, इसी तरह इसमें भी आप देखोगे पॉजिटिव नेगेटिव, इसी तरह इसमें भी देखोगे पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये न्यूक्लियर पेयर जो है ये बेटा कहां पे पहुंच गई, ये बेटा बैसिडियम में पहुंच गई है। अब बैसिडियम में बेटा क्या होगा, नाउ द कैरियोगैमी, जो कैरियोगैमी और मियासिस बेटा है, दैट ऑकर्स इन द बैसिडियम, कैरियोगैमी प्लस मियासिस जो बेटा है, इट ऑकर्स इन बैसिडियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्ट आ सकता है नीट में कि बैसिडोमाइसिट्स में बेटा कैरियोगैमी कहां पे होती है और मियासिस कहां पे होती है, दैट ऑकर्स इन द बैसिडियम। तो यहां पे जब न्यूक्लियर पेयर बेटा माइग्रेट हो जाएगी, उसके बाद ये न्यूक्लियर पेयर्स यहां पे जो है बेटा इनमें फ्यूजन होगा और ये बनाएंगे बेटा एक डिप्लॉइड सेल, इसमें भी फ्यूजन होगा, इसमें भी बेटा फ्यूजन होगा। क्लियर? तो दूसरा स्टेप हम कह रहे हैं कैरियोगैमी कहां पे हुई, इट ऑकर्स इन द बैसिडियम। अब इसके बाद बेटा बैसिडियम में जो कैरियोगैमी हुई, यहां पे जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना, इसके बाद बेटा यहां पे मियासिस होगी। क्लियर? लेकिन जब इनमें मियासिस होती है, समझना मेरी बात अच्छी तरीके से, इनमें जो बेटा मियासिस होती है, होता क्या है बेटा, आप मान लीजिए एक बैसिडियम को बेटा मैं यहां पे बाहर निकाल रहा हूं और इसमें बेटा ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, इस बैसिडियम की टिप पे बेटा आप देखोगे ऐसे चार आउटग्रोथ्स निकलते हैं, दूसरी आउटग्रोथ निकलेगी, इसी तरह यहां पे आउटग्रोथ निकलेगी और इसी तरह यहां पे बेटा आउटग्रोथ निकलेगी। अब जो ये न्यूक्लियस है बेटा इसमें मियासिस होगी, अब जब न्यूक्लियस में मियासिस होगी तो कितने न्यूक्लियस बनेंगे, एक दो तीन चार, तो मैं यहां पे लिखूंगा बेटा इसमें मियासिस हुई और ये चार न्यूक्लियस बने। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है इसमें दो पॉजिटिव होते हैं और दो बेटा इसमें नेगेटिव होते हैं, सिंपल। और ऊपर आप देखोगे यहां पे चार आउटग्रोथ्स बनी, अब हर एक आउटग्रोथ में बेटा एक एक न्यूक्लियस ट्रांसफर हो रहा है, इसमें बेटा पॉजिटिव वाला होगा, इसमें पॉजिटिव वाला होगा, इसमें नेगेटिव वाला होगा, इसमें बेटा नेगेटिव वाला होगा। इस एक एक आउटग्रोथ में जो अभी न्यूक्लियस ट्रांसफर हो गया, इसको बेटा हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज बैसिडियोस्पोर, इसी को बेटा हम नाम देते हैं बैसिडियोस्पोर। लेकिन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये जो बैसिडोस्पोर्स बन रहे हैं क्या ये एक्सोजिनसली बन रहे हैं, क्या ये बैसिडोस्पोर्स बेटा एंडोजिनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं। बेटा यहां पे बहुत गर्मी है, इट्स वेरी ज्यादा गर्म, तो आपके लिए बेटा हम ये मेहनत जो कर रहे हैं यहां पे, ठीक है, इसका फायदा उठाए बेटा, एनसीईआरटी जो होगी आपके सामने उसको सामने रखे और एक एक लाइन को बेटा देखिए और एक एक लाइन को बेटा रिमेंबर करने की मतलब कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। एक इंपॉर्टेंट मैसेज मैं इस माध्यम से बेटा आप तक पहुंचाना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है बेटा। बेटा देखिए आप जितना भी इस कोविड में पढ़ोगे, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ोगे या चाहे बेटा किसी और सोर्स से पढ़ोगे, लेकिन जितना भी आप पढ़ोगे
फॉर एग्जाम्पल अगर बायोलॉजी हमारे पास है, अगर आप 100% नहीं पढ़ पाओगे, आप 60% पढ़ पाओगे, 70% पढ़ पाओगे, लेकिन उसको बेटा अच्छी तरीके से पढ़ना, जो यूनिट पढ़ोगे उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना, ताकि कल आपको वो दोबारा ना पढ़ना पड़े। वीडियो को पास कर देखिए, कॉपी मेंटेन कीजिए और अच्छे से रिविजन कीजिए बेटा, ठीक है। तो ये मेरी बात यहां पर याद रखिए। तो हम कह रहे हैं बेटा ये जो बैसिडियोस्पोर्स बने, अब ये बैसिडियोस्पोर्स हमारे पास जो बने हैं बेटा, हम कहेंगे सर दीज आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये बेटा एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्लियर। इसके बाद बेटा अब लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। अगर लास्ट पॉइंट को बेटा देखेंगे यहां पे, अब हमारे पास ये भी बैसिडियम है, ये भी बैसिडियम है और ये भी बैसिडियम है बेटा। अब मैं दिखा सकता हूं यहां पर स्पोर्स बने, यहां पे भी बेटा बैसिडियोस्पोर्स बने और यहां पे भी बेटा बैसिडियोस्पोर्स बने, लेकिन ये सारे बैसिडियम जो होता है बेटा, इनके बाहर की तरफ एक माइसिलियम का मैट बेटा इसको कवर करता है, बाहर की तरफ बेटा ऐसे माइसिलियम बेटा इसमें बनेगा और इस माइसिलियम के अंदर बेटा बहुत सारे बैसिडियम होंगे, उनके ऊपर बेटा हम देखेंगे बहुत सारे बैसिडियोस्पोर्स अब बेटा हमारे पास होंगे, बहुत सारे बैसिडियोस्पोर्स। इस स्ट्रक्चर को, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बेटा अब हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज, इसको हम बेटा बैसिडियोकार्प का नाम देते हैं, क्लियर बेटा। अगर आपको याद होगा जब मैंने क्लासिफिकेशन की थी तो मैंने कहा था कुछ फ्रूटिंग बॉडीज बनती है, एस्कोमाइसिट्स में जो फ्रूटिंग बॉडी बनी उसको हमने एस्कोकार्प का नाम दिया, यहां पे जो फ्रूटिंग बॉडी बेटा बन रही है इस फ्रूटिंग बॉडी को हम नाम देते हैं इट इज कॉल्ड एज बैसिडियोकार्प। और बैसिडियोकार्प होता क्या है बेटा, एक्चुअली होता क्या है, कुछ नहीं होता है बेटा, बाहर की तरफ से ऐसे ऐसे माइसिलियम आ गया, बहुत सारा माइसिलियम आ गया बाहर की तरफ से। अब इस अंदर माइसिलियम के अंदर जब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत सारे बैसिडियम है और बैसिडियम के मतलब टिप पे बेटा हम देख रहे हैं बहुत सारे बैसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं। इस सारे स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया इट इज कॉल्ड एज ए फ्रूटिंग बॉडी, इट इज कॉल्ड एज ए फ्रूटिंग बॉडी। जैसे हमने फ्रूट को देखा है बेटा, फॉर एग्जांपल एप्पल का फ्रूट है, ठीक है। अब जब फ्रूट को देख रहे हो तो अंदर जब जा रहे हो, अंदर जा रहे हो तो आपको अंदर सीड्स मिल रहे हैं, ठीक है। उसी तरह बेटा यहां पर बाहर की तरफ एक कवरिंग बन रही है, दैट इज व्हाट दीस आर कॉल्ड एज ए फ्रूटिंग बॉडी। और जब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर बैसिडियम और बैसिडियोस्पोर्स बेटा प्रेजेंट होते हैं। तो ये रहा यहां तक बेटा बैसिडियोमाइसिट्स। अब इस बैसिडियोमाइसिट्स में बेटा कुछ एग्जांपल्स हैं, जिन एग्जांपल्स को हम यहां पे बेटा डिस्कस करेंगे कि बैसिडियोमाइसिट्स में कौन कौन सी एग्जांपल बेटा है। अब सबसे पहली एग्जांपल जो बैसिडियोमाइसिट्स में बेटा, उसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज एगैरिकस, उसको बेटा हम एगैरिकस का नाम देते हैं। सो एक एग्जांपल बेटा इसमें आती है एगैरिकस, और एगैरिकस जो बेटा होता है इसको हम कॉमनली नाम देते हैं मशरूम, इनको बेटा हम मशरूम्स का नाम देते हैं। दूसरे एग्जांपल बेटा है इसमें दैट इज यूस्टैलिगो, यूस्टैलिगो बेटा इसमें और एक एग्जांपल है, और ये बेटा सुमट डिजीज काज कर रहा है, सुमट इन सीरियल्स, सुमट इन जो सीरियल्स होते हैं बेटा उनमें बेटा इस सुमट डिजीज काज कर रहा है। और लास्ट में बेटा हमारे पास है दैट इज पक्सिनिया एग्जाम्पल, उसको बेटा याद रखना। और पक्सिनिया अगर हम देखेंगे बेटा इट कॉजेज रस्ट डिजीज, ये बेटा रस्ट डिजीज काज कर रहा है, इट कॉजेज रस्ट डिजीज बेटा। और रस्ट डिजीज जो होते हैं बेटा आत्म से क्वेश्चन पर है खाइश लगान, क्लियर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो बिलोंग कर रही है टू द बैसिडियोमाइसिट्स, एगैरिकस, यूस्टैलिगो एंड पक्सिनिया। घर पे थोड़ा निमोनिक बेटा इन एग्जांपल्स के लिए बनाना। तो यहां तक बेटा हमने बैसिडियोमाइसिट्स को कंप्लीट किया। अब लास्ट ग्रुप हमारे पास बच रहा है दैट इज डेटेरोमाइसिट्स, उसको बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।